दोस्तों, अगर आजकल आप सोशल मीडिया या फिर न्यूज़ देखते हैं तो ये भी खबर आपको दिखाई दे रही है। मनीष कश्यप, ये एक ऐसा फ्रॉड आदमी है जिसने फर्जी वीडियो डाल करके अशांति फैलाने की कोशिश की। तमिलनाडु और बिहार के बीच में इसने अशांति फैलाई, क्योंकि तमिलनाडु और बिहार दोनों में ही बीजेपी की सरकार नहीं है और ये जो बंदा है बीजेपी के लिए बताया जाता है काम करता है, बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करता है। तो ये जहां सरकार बीजेपी की नहीं होती है वहीं अशांति फैलाने का काम करता है। इसने जो फर्जी वीडियो डाला तमिलनाडु में दिखाया कि वहां बिहारियों को पीटा और मारा जा रहा है, जिससे वहां बिहारियों में भगदड़ मची और भागना शुरू किया। उसको लेकर इस पर केस दर्ज हुआ, फिर इसकी पकड़ शुरू करी पुलिस ने, पकड़ना शुरू किया तो ये भागने लगा और तमाम धमकी भरे वीडियो बनाए इसने तेजस्वी यादव को लेकर के मैं सरकार गिरा दूंगा। भाई 35 है और ये सरकार गिराने की बात करता है। अगर आपने गलती की है तो उसकी माफ़ी मांग करके उसे ख़त्म करिए, ऊपर से धमकी और दे रहा है। जब शासन ने इसे गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, तो इसके बाद से इसका एक समूह पूरा बीजेपी का, इतने बीजेपी भक्त हैं, अंधभक्त, वो ट्रेंड कर रहे हैं ट्विटर पर कि इसे रिलीज किया जाए। मनीष कश्यप बहुत ईमानदार है, राष्ट्रवादी है, राष्ट्रीय पत्रकार है। अरे भाई, राष्ट्रीय पत्रकार यही अगर उत्तर प्रदेश में होता और ऐसी खबरें दिखाता, ऐसा वीडियो डालता, तो इसके घर का कभी भी बिल्डोजर चल के अभी भी ध्वस्त कर दिया गया होता। इसके घर पर बिल्डोजर चला करके अब तक तो इसके घर को ध्वस्त कर दिया गया होता, जमीन ध्वस्त कर दिया गया होता और इस पर रासुका लगा करके इसको जेल में ठूस दिया गया होगा। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं हुआ है, इससे पहले छानबीन हुई है, इसको पकड़ा गया है, इस पर केस चलेगा, इस पर पूछताछ होगी, उसके बाद में इस पर कार्रवाई होगी। इसके घर पर कोई भी जरा भी लॉस नहीं पहुंचाया गया है। अगर आप बिहार में नहीं होते तो आपको मालूम पड़ जाता। अब अगर यही उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई करता तो फिर यही जो इनका समूह है भेड़ियों का, वो आजकल इसके खिलाफ बोल रहा होता। अगर इसने बिहार में किया है तो वो सही है, क्योंकि वहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। दोस्तों, ये आजकल चल रहा है, राष्ट्रवादी वही है जो बीजेपी के सपोर्ट में बोल रहा है, चाहे वो सही हो या गलत हो। तो ऐसी चीज़ों को नकारना चाहिए, सही हो, राष्ट्रहित में हो। गलत अफवाह फैलाने से अच्छा है आप सही खबरों को दिखाएं, आप सही चीज़ों को उठाएं, सही मुद्दों को उठाएं, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे सपा का हो, चाहे आरजेडी का हो, किसी का भी हो, किसी की सरकार हो, आप हमेशा जनता की आवाज़ उठाएंगे, करप्शन के खिलाफ बोलेंगे, जनता के लिए लड़ेंगे, तो आपके साथ सभी रहेंगे।